24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आज के ताजा खबरों पर एक नजर। कुशीनगर महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया जनसंपर्क और मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की किया अपील। महिलाओं ने जमकर किया स्वागत। खबरें विस्तार से। महिलाओं के बीच जाकर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराए गए कार्यों की को गिनाया और लोगों से अपील किया कि पुनः भाजपा सरकार बनाए ताकि हम महिलाओं का सम्मान बढ़ सके और फिर से देश हित में कराए जा रहे कार्यों की गति मिल सके। बता दें कि जनपद के चमरा हरदू में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा ने जनसंपर्क के दौरान मोदी जी के कार्यों को गिनती कराते हुए कहा कि आज हम गरीब महिलाओं के घर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैस चूल्हा दिया, जिससे हम महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे पर आग खोलने से मुक्ति मिल सके। वहीं आगे बताया कि हम महिलाओं को बैंकों में खाता खुलवाने की समस्या होती थी, जिसके तहत मोदी जी ने जन धन योजना शुरू कर हमारे खातों को खुलवाया और सौजन हिताय के रूप में अब आगे कदम बढ़ाते हुए हमारा सम्मान बढ़ाया। इस दौरान साथ में महिला मोर्चा पटरौना की अध्यक्ष चारुमीना श्रीवास्तव ने कहा कि मोदी जी ने हर महिलाओं को पूरी आजादी दिया और महिला सशक्तिकरण के रूप में हमें एक हथियार दिया। इस दौरान समाज सेवी रीता थाना ने महिलाओं से अपील किया कि हम आधी आबादी को और सम्मान मिल सके और सरकार हमारी बातों को सुन सके, इसके लिए हमको इस चुनावी समर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है तथा कमल के फूल पर बटन लगाने की जरूरत है। जनसंपर्क के दौरान महिलाओं से कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील भी किया। इस दौरान सना सुमनसार कृष्णावती तारा देवी मंजू राबड़ी अमरावती सहित गांव की सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। 24 से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा अगर किसी का भला हुआ है तो आप माताओं का भला हुआ है हमारी सरकार में, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ अपनी माता बहनों से ही कहने आई हूँ कि आप लोग भाई तो है हमारे, आप लोग एक वचन दीजिए मुझे कि आप अगर बटन दबाएंगी तो कमल के फूल पे बटन दबाएंगे।